देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। बासिंदा लोगों की कब्र खोदने की आदत कब से हो गई है आपको? क्यों जीते जी आप मुझे मार रही हैं? आपको मेरी लाश मिली थी क्या, या फिर आप कुछ ऐसा जानती हैं जो और कोई नहीं जानता? देखो, अपना झूठ छुपाने के लिए मुझे मत फंसाओ तुम, समझी? ठीक है, आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, लेकिन डॉक्टर पर तो यकीन करेंगे ना आप? मैं भी बुलाती हूँ। डॉक्टर साहब अंदर आइए प्लीज। बताइए डॉक्टर साहब, ये लड़की आपके हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थी। पूनम जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। ये लड़की हमारे हॉस्पिटल में थी ही नहीं, मैंने इसका इलाज नहीं किया। डॉक्टर साहब, आप फिर से चश्मा लगाना भूल गए, देखिए आपके पॉकेट में ही है। अरे तुम यहाँ कैसे? ये मेरा ही घर। सॉरी, वो चश्मा नहीं लगाया था इसलिए ठीक से नहीं देख पाया। ये रुचिता है, अरे 4-5 दिनों से ये हमारे हॉस्पिटल में ही थी, मैंने इसका इलाज किया है। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप ऐसे कैसे पलट सकते हैं? आपने मुझे कहा था कि आपने रुचिता नाम की किसी लड़की का इलाज नहीं किया है। पूनम जी, हमें नाम वाम याद नहीं रहता, चेहरा देख कर याद आ जाता है। मैं बेहोश जरूर थी लेकिन आवाज सुन सकती थी मैं, और इतने दिन इन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी जिसकी वजह से मैं आज आप सबके बीच में हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने आपको रुचिता की तस्वीर दिखाई थी और तब भी आपने मना किया था कि आपने इसका इलाज नहीं किया है, और उस वक्त आपने चश्मा पहन रखा था। पूनम जी, आपने इनकी फोटो नहीं दिखाई थी। डॉक्टर साहब, मैंने आपको इसकी ही फोटो दिखाई थी। पूनम जी, आपने मुझे ये फोटो दिखाई थी। भाभी माँ, ये तो मेरी फोटो है, ये तो मैंने आपको फ्रेम लेने के लिए दी थी ना। शायद मेरी और रुचिता की फोटो आपस में चिपक गई होगी और इसीलिए गलती से डॉक्टर साहब ने मेरी फोटो देख ली होगी रुचिता की जगह। ऐसे कैसे फोटो चिपक सकती है? नहीं, ये पेशेंट नहीं थी। माँ, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है उस पर कोई यकीन नहीं करता। माँ, आप मेरा और डॉक्टर का विश्वास कीजिए, मैं रुचिता ही हूँ, इस घर की बहू। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। नहीं, मैं मान ही नहीं सकती, ये लड़की बहुत चालबाज है। ये लड़की जरूर इसी ने डॉक्टर से झूठ बुलवाया होगा, और ये तस्वीरें भी इसी ने चिपकाई होगी। आप मानिए मेरी बात। बस कीजिए, बस। हम में से किसी को भी रुचिता की सच्चाई पर शक नहीं है, हम सभी को पता है कि यही रुचिता है। ये बेचारी मौत के मुंह से वापस आई,
और इसका ख्याल रखने की बजाय आप उस पर लांछन लगा रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको पूनम। कहते हैं कि सास माँ के समान होती है, आप माँ नहीं बन सकती ना सिर्फ, कम से कम ढंग की सास तो बन जाइए पूनम। लेकिन पूनम अपनी नफरत को इतना भी मत बढ़ा कि इंसानियत पीछे छूट जाए। और मॉम आज के बाद मैं रुचिता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए हरियाली बीज का श्रृंगार लाई हूँ। रुचिता, तुम्हारे पति ने भी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है और तुम्हें उसके इस व्रत का मान रखना होगा, जिसके लिए तुम्हें तुम्हारे सुहाग के पास जल्द ही वापस आना होगा। खुद को कुछ जरूरत से ज्यादा ही शातिर समझती है ये लड़की, इसे तुम मैं बताती हूँ। नाटक, ये सब कुछ करके तुम मेरे परिवार की आंखों में धूल झोंक सकती हो, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती तुम। मैं अच्छी तरह से जानती हूं तुम हमारी बहू रुचिता नहीं हो, बल्कि कोई बहरूपिया हो तुम। बहरूपिया भी नहीं, बल्कि तू तो कोई काला जादू करने वाली तांत्रिक है, जिसने जादू टोना करके मेरे परिवार को अपने वश में करके रखा है। मां, आज तीज के शुभ दिन पर ऐसी बातें मत कीजिए। तू? अरे तू होती कौन है मुझे शांत कराने वाली? चोर कहेगी? हमारे घर का श्रृंगार ले जाकर बेच आई और ये नकली गहने पहनकर खड़ी हो गई। निकाल निकाल अपने ये गहने निकाल। ये लो, ये पुड़िया उस रुचिता को खिला दो, इससे वो हमारे वश में आ जाएगी और कोई भी दैविक ताकत उसे हमसे नहीं बचा पाएगी। आप देखते हो कैसे बचेगा ये रुचिता का भूत। पापी कितना भी घमंड क्यों ना कर ले,
उसका अंत तो जरूर लिखा है, जो तय समय पर होकर रहेगा, और मुझे बस उस समय का इंतजार करना है।